स्वागत है, मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा। स्वस्थ होते ही जनता की सेवा में लगे नव निर्वाचित विधायक कोरोना बचाव के लिए कर रहे हैं अपील। देखते रहिए यूवी इंजीनियर 8 न्यूज ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा विधानसभा के नव निर्वाचित विधायक रामचंद्र दांगी चुनाव के दौरान कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। भोपाल में इलाज करवाने के उपरांत स्वस्थ होकर ब्यावरा लौटे। उनके निवास पर बधाई देने वालों का और अपनी समस्याओं और समाधान के लिए लोगों का जमावड़ा लगने लगा। रामचंद्र दांगी लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें दूर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। दांगी जी ने जनता से अपील की है कि कोरोना के प्रति सावधानी बरतें, खुद को और अपने परिवार को कोरोना से बचाएं, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस समय कोरोना की महामारी बहुत तेजी से पांव पसार रही है हमारे क्षेत्र में सभी जगह। रोजाना देश में करीब 50,000 मरीज मतलब पेशेंट इसमें आ रहे हैं, और अभी हमारे ब्यावरा विधानसभा के बहुत अच्छे जाबाज कार्यकर्ता नेता दयानंदी लाल जी जाट जी का कल कोरोना की महामारी से निधन हो गया। मेरी तरफ से पार्टी की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति मिले, उनकी आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। और इस अवसर पर जनता से भी अपील करना चाहता हूँ मैं सभी से कि ये समय बहुत नाजुक समय है, ठंड का मौसम आ गया है, और ठंड में ये बीमारी और तेज़ी से फैलेगी, इसलिए सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सारे लोग मास्क लगा के रखें, सुरक्षित रहें, भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं, और घर पर ज़्यादा प्रयास करें फालतू काम से घर से बाहर ना निकले, अन्यथा ये जान किसी की भी जान ले सकती है। दयानंदी लाल जी की ले ली, और भी कैसे कई लोग हैं जिनकी ये बड़ी दुखद घटना होती है, बहुत उनके परिवार को तकलीफ होती है। मुझे भी पिछले 4 तारीख को कोरोना हुआ, मुझे पता है कितनी तकलीफ होती है। मैं भी 10 दिन हॉस्पिटल में रहा और अभी तक भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाया हूँ। इसलिए मैं आप सबसे मेरी जनता से अपील करता हूँ कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, और भी जो सावधानियाँ सरकार ने गाइडलाइन दी उसका पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। यही मेरी आप सबसे जनता से अपील है। जय हिंद जय भारत।